कोरोना की तीसरी लहर है जो कि शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में 9 अफराद जान की बाजी हारे हैं और लाहौर में कोरोना के 1478 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों में 154 मरीजों की हालत भी तश्वीशनाक है। मुस्बत केसेस की शरह 21% तक जा पहुंची है। सूरत हाल है जो कि बिगड़ती जा रही है। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जाहिर चौधरी बताएगा पिछले 24 घंटे के क्या अदादो शुमार हैं, क्या तफसीलात हैं। जी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान हर गुजरते दिन के साथ जो शिद्दत है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में 1478 नए केसेस जो हैं वो कोरोना वायरस के सामने आए हैं। इसके साथ साथ 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं लाहौर में, और जो मस्बत केसेस की शरह है उसमें भी बतदरीज इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 21% तक पहुँच गई है मस्बत केसेस की शरह, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि मस्बत केसेस की शरह बढ़ने का मतलब ये है कि जो केसेस हैं वो एक्चुअली उनका स्प्रेड बहुत तेजी के साथ जो है वो सामने आ रहा है, और अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं उनमें सीरियस पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ रही है। इस वक्त भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 154 मरीज जो हैं कोरोना वायरस के, उनकी हालत तश्वीशनाक है। अच्छा जाहिर चौधरी, अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, वेंटिलेटर्स की क्या सूरत हाल है, क्या उनकी कमी का भी सामना है, बेड्स की कमी का भी सामना है, और इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं क्योंकि जो मरीजों की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। जी, ये तीसरी लहर जो है जब इसका आगाज हुआ तो उसके साथ जो पहले से अवेलेबल जो फैसिलिटी थी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में उसी के ऊपर इक्तफा किया गया था। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानब से सरकारी और टीचिंग अस्पतालों को, जबकि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानब से तमाम प्राइवेट अस्पतालों को ये हदायत की गई है कि वो अपनी बिस्तरों की गुंजाइश में इजाफा करें, लेकिन अभी तक उसमें कोई खातर खा जो है वो इस हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई। और 90% से जायद इस वक्त जो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स हैं कोरोना के लिए मुख्तस अस्पतालों में वो भर चुके हैं, और हर गुजरते दिन के साथ जो गुंजाइश है उसमें कमी वाकया हो रही है। बहुत शुक्रिया सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।